हरे कृष्णा, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। अच्छा, मेरे घर पे संपूर्ण हलवा बन चुका है, छोले बन चुके हैं, सब्जी बन चुकी है, पूरियां भी बन चुकी हैं इनफैक्ट। और अब हम जा रहे हैं हवन करने। हवन करने के तत्पश्चात पूजा अर्चना, पहले पूजा अर्चना वंदना करेंगे, फिर हवन करेंगे, फिर माता रानी को भोग लगाएंगे और उसके बाद हम लोग कंजके जमाएंगे। आज की वीडियो होने वाली है बहुत 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 ज्यादा इंटरेस्टेड, क्योंकि आज मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को अपनी खेतरी के दर्शन, कि माता रानी ने कैसे हमें दर्शन दिए हैं, हमारी खेतरी कैसी उगी है। और जो छोटी छोटी कंजके आएंगी, कन्या पूजन भी तो आप लोगों के साथ शेयर करना है। लेकिन उससे पहले आज हम, पहले मैंने सुबह सुबह उठ के सारा खाना बना लिया है। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, मैं सुबह से कम हलवा बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ वाला नहीं, मेरे को चाहिए कि वह गुरुद्वारे वाला दाने वाला हलवा बना पाऊँ। इसलिए मैंने हलवों में इतना टाइम लगा दिया, लेकिन मेरा दाने वाला हलवा बन के ही तैयार नहीं हुआ। कंजकों के लिए कुछ कुछ गिफ्ट्स लेके आए हैं और सतीश जी इस समय पे रेडी हो रहे हैं। कंजकों के लिए हम बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आए हैं, कुछ स्पेशल सरप्राइज है उनके लिए। क्या क्या करना है, कुछ सरप्राइज पीछे भी दिख रहा होगा, दिख रहे हैं बैलून वो है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। पूरा ब्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होगा। लेकिन ब्लॉग शुरू करने से पहले हर बार की तरह जो आप करते हो वो चीज कैसे भूल सकते हो, सबसे पहले दर्शन करते हैं अपनी माता रानी के। धुआं हो रहा है कमरे में क्योंकि हवन की तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। बोलिए माई मेरी सतिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। जकारा वीर बजरंगी बोल साचे दरबार की जय। ये माता रानी के दर्शन कीजिए, ये तीन पिंडियों के दर्शन कीजिए, गणेश भगवान के दर्शन कीजिए, मत्स्य अवतार कछुए के दर्शन कीजिए, गौ माता के दर्शन कीजिए, श्री यंत्रम के दर्शन कीजिए, संघ के दर्शन कीजिए, और आज तो मैं आपको खेतरी के भी दर्शन कराऊंगी। बोलिए माई मेरी सतिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल के कैसे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। आज सतीश जी इनको दोबारा से नवे कपड़े पहनाने वाले थे, फिर मैंने उनको डांट दिया, मैंने कहा रोज रोज नए कपड़े पहनेंगे, ये पुराने कपड़ों का क्या होगा, फिर देख ले। इसलिए ये थोड़ा सा मुंह बना के बैठे हुए हैं। इनका मुंह बनाने का रीजन ये है कि आज इनको नवे कपड़े नहीं पहनाए। हमारी कंजके 9 कंजके होंगी, 1 लांगुर होएगा और 1 मेरा सुतांतु भी तो कंजक खाएगा। लड्डू गोपाल कंजक नहीं खाएगा, और ये तो खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे, इनको भी गिफ्ट मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, इनको भी गिफ्ट मिलेंगे। तो चलिए, आज हमने जो हवन किए, जो प्रज्वला ज्वालामाई प्रज्वलित हुई है, ये हमारी अखंड ज्योत से प्रज्वलित हुई है। तो ये बहुत सुख संकेत होता है जब अखंड ज्योत से ज्वालामाई प्रज्वलित हो जाए, तो उसका कहना ही क्या होता है। और ये पूरी तैयारी पूजा की, पूजा का सामान मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं रोज ही आपको बता रही हूँ कि पूजा का क्या क्या सामान है, क्या क्या सामान है। हाँ, आज आपको मैं भोग दिखा देती हूँ। आज भोग में है ये सारा सामान, माता रानी का छोले, माता रानी का हलवा, पूरी, चने पूरी, सब्जी, और ये चौलाई के लड्डू, पेठा, टॉफी जो हम कंजकों को देने वाले हैं, वही सारी चीज हम लोग भोग लगा रहे हैं। और इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के मिष्ठान हैं, जो भी माता रानी को पसंद आ जाए वो खुद ही खा ले, खुद ही इसको हम तो पूरा डिब्बा ही समर्पित कर रहे हैं। एंड मिठा, अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो ये कुछ फ्रूट्स हम समर्पित करने वाले हैं आज माता रानी को, और वो समर्पित करने वाले हैं, इसलिए यही आज भोग होगा। तो चलिए, अधिक विलंबना करते हुए सबसे पहले हम हवन लोग आरती ले लीजिए। और ये आरती हमारे यूट्यूब परिवार के सब्सक्राइबर के लिए, अष्टम नवरात्र में हमारे घर पे अष्टमी पुजती है, तो अष्टम नवरात्र के लिए ये आरती, ये सारा भोग प्रसाद, ये माता रानी के दर्शन, वो सिंगार का सामान, और ये पूरी तरीके से पूजा अर्चना वंदना। कन्या पूजन का तो मैंने एक संपूर्ण व्लॉग बनाया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। यहाँ पे तो मैं मात्र और मात्र 30 सेकंड में आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि माता रानी मेरे घर पे कैसे आई, कैसे माता रानी का मैंने वेलकम किया, वेलकम करने के तत्पश्चात कैसे हमने उन्हें प्रसाद का भोग खिलाया, और उसके बाद माता रानी ने मेरे साथ मिलकर करी बहुत सारी मस्तियाँ। ऐसी बहुत सारी बातें आप लोगों को बताने वाली हूँ। ये तो केवल 30 सेकंड का ब्लॉग है, इसमें तो केवल 30 सेकंड के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। लेकिन अगर आप
आपको ये नवरात्रि के कन्या पूजन का पूरा वीडियो देखना है तो मैं एंड ऑफ स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप जाके पूरा वीडियो देख सकते हो कि हमने कन्या पूजन कैसे किया है। यहाँ पे तो इन शॉर्ट में हमने बहुत सीमित चीज़ें डाली हैं, वहाँ पे आप संपूर्ण जानकारी ले सकते हो। तो चलिए अब आगे करते हैं, कन्या भोजन कराने के तत्पश्चात हम लोगों ने क्या किया उसके बारे में भी मैं आपको देती हूँ व्यापक जानकारी। जय माता की, मिलकर बोलो जय माता की। मैंने सुनिया, जय माता की। जोर से बोलो जय माता की। सारे बोलो जय माता की। आवाज नहीं आई, जय माता की। भाई मेरी सत्या ज्योता वाली माता, तेरी सदा ही जय। जकारा के अंदर का जो सामान है वो हम इस थाली में निकालेंगे। ये देखिए कलश के अंदर चांदी के सिक्के पड़े हुए थे, सुपारी पड़ी हुई थी और सुपारी पड़ी हुई थी कलश के अंदर, ये सारा सामान पड़ा हुआ। तो जो ये पत्ते हैं, ये पत्ते तो हम डाल देंगे पौधों में, मतलब हमारे घर पर जो भी गमले उसमें, इसमें जो चावल है वो भी डाल देंगे। ये जो चांदी के सिक्के और एक दो के सिक्के हैं, इसको हम लोग एक लाल कपड़े में बांध कर और कौड़ियों को, सुपारी को, पांच कौड़ियां डाली थी, सुपारी डाली, चांदी के सिक्के, एक दो ऐसे सिक्के, इनको हम अपनी अलमारी में रखेंगे। आप लोगों को भी यही करना। तो चलिए अब दर्शन कराती हूँ खेतरी के। लीजिए दर्शन कीजिए मेरी खेतरी के, कैसी लग रही है मेरी खेतियां, बोल सांचे दरबार की जय। माई मेरी सत्या ज्योता वाली माता, तेरी सदा ही जय। ये देखिए बीच में लोटा रखा हुआ था और ये मेरी खेतरी है, बिल्कुल हरी हरी खेतरी उगी है मेरी। और आज अष्टमी है और अष्टमी वाले दिन ही मैं आप लोगों को खेतरी के दर्शन करा रही हूँ। अब हम लोग खेतरी का क्या करते हैं पहले मैं वो बताती हूँ। अब हम खेतरी सर पे लेके पूरे घर पे घूमते हैं, अर्थात अपनी माता रानी को हमने अपने शीश पे जगह दी है। हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि माता रानी को हाथ पे उठा सके, हमने शीश पे जगह दी है और अब हम पूरा घर के, अपने पूरे घर के हम माता रानी को दर्शन करा रहे हैं। पूरे घर के हम, पूरे घर में, हमारे घर में ऐसी कोई भी जगह नहीं बचेगी यहाँ पर हम ये खेतरी को लेकर ना जाएं। पूरे घर के हम दर्शन कर रहे हैं, ये इस समय बाहर तक लेके जाएंगे हम खेतरी को, ये घर के इधर साइड में दोनों तरफ लेके जाएंगे ना करती हूँ। आप देख रहे होंगे डिनर टेबल के इधर से होते हुए बालकनी की तरफ गए हैं, क्योंकि एक भी जगह हमें छोड़नी नहीं है। ये देखिए बालकनी की तरफ गए हैं, एक भी जगह हमें छोड़नी नहीं है। तो ये खेतरी के दर्शन, पूरे घर माता रानी को अपना हम पूरा घर दिखा रहे हैं, एक भी रूम नहीं छोड़ रहे हैं, पूरा घर हम माता रानी को अपना दिखा रहे हैं। हर एक कमरे में जा रहे हैं, ये देखिए मैंने कहा ना हर एक कमरा, ये हमारा बेडरूम, बेडरूम में सतीश जी आ चुके हैं और बेडरूम में पूरा घर दिखा रहे हैं और अलमारी तो जरूर ही दिखाएंगे, अलमारी हमारी तिजोरी है। पूरा घर हम लोग दिखा रहे हैं और ये जा रहे हैं अब दूसरी बालकनी पर, ये भी हमने खेतरी को दूसरी बालकनी के भी दर्शन करा रहे हैं वापस। खेतरी पे लाने के तत्पश्चात दो बाल तोड़ के, हाँ तोड़ लो उखाड़ लो, ये हम अपने मस्तक पे लगाएंगे, आप भी अपने मस्तक पे लगाइए। ये देखिए अब जो ये खेतरी है हम इसको पूरा का पूरा काट लेंगे या उखाड़ लेंगे, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा सुखा लेंगे और एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख देंगे। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, नहीं तो आप गौ माता को इसको खिला सकते हो, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है, तो आप इनमें से कुछ भी कर सकते हो। तो ये हमारी खेतरी थी, आपकी खेतरी कैसी है, कैसी उगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और अपनी अपनी खेतरी मुझे जरूर भेजिए। ये आप देख रहे हो ये पोटरी खुद ब खुद तैयार हो गई है, आपको किसी भी
किसी से भी पोटरा और पोटरी मंगाने की कुछ आवश्यकता नहीं होती है। ये जो देख रहे हो ये आपको नवरात्रों में आप अपनी पोटरी खुद तैयार कर सकते हैं और इसी पर ही होएगी, इसी पोटरी की होएगी दिवाली पे पूजा अर्चना वंदना। इसमें मैंने माता की खेतरी डाली है, कलश में जो सामान है वो डाली है, तो आप घर पे अपनी पोटरी जरूर बनाएं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो काम आप घर पे स्वतः कर सकते हैं, पता नहीं कितने अभिमंत्रित सिक्के हैं इसमें, माता रानी का आशीर्वाद है, कोड़ियाँ हैं जो 9 दिन तक अभिमंत्रित हुई है, तो अपनी पोटरी खुद ही बनाइए। देखिए अब इन सामान का क्या करना है, ये जो मेरी चौकी है ये हटेगी 10वीं तिथि को, तो मैं उसकी भी पूरी डिटेल में आप लोगों के साथ वीडियो बनाऊंगी। कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अखंड ज्योत अभी भी प्रज्वलित है, अभी भी देखिए जल रही है, अखंड ज्योत अभी नहीं शांत करनी है, वो अपने आप ही शांत होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हाँ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरी बोल।